नमस्कार सभी मित्रों को। मेगा ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम सेटलमेंट ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। आपने क्रिस्टोलर का नाम सुना होगा और क्रिस्टोलर की सेंटर पैलेस थ्योरी काफ़ी चर्चित है, केंद्रीय स्थान को लेकर के। कुछ एग्जामों में क्रिस्टोलर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो क्रिस्टोलर का जो के नियम है उस पर आज हम अगले 5 मिनट तक देखेंगे। क्रिस्टोलर का के नियम क्या है, किस तरीके से के नियम काम करता है और उससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिना किसी समय को गवाए हुए हम इस पर डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चल रहा है कठिन चैप्टर की ज्योग्राफी का, उसमें रिचर्स कार्टो स्टैटिक ट्रांसपोर्ट जीआईएस जीपीएस, तो जीआईएस का तो मैंने उस दिन बता दिया था, ये तो कंप्लीट है, स्टैटिक्स कंप्लीट हो गई है, ये कठिन चैप्टरों वाले के अंदर चलेगी। एक कोर्स चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर, कठिन चैप्टरों पर क्लासें, उसमें स्टैटिक्स की 13 क्लासें हैं पूरी हो चुकी, ट्रांसपोर्ट की 3 क्लासें आ चुकी, कार्टो की 3 आ चुकी, रिचर्स की 2 है, अभी रिचर्स की 4-5 क्लासें मैं अभी डाल रहा हूँ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पूरी होगी और उसके बाद कार्टोग्राफी में होगा, मार्च के अंदर कार्टो और ट्रांसपोर्ट पूरी हो जाएगी और उसके बाद लगभग रिचर्स भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ क्लासें बाकी रहेगी वो अप्रैल में डाल दूंगा, और कुछ यदि समय रहता है तो रीजनल ज्योग्राफी की या सेटलमेंट की जो भी कठिन चैप्टर है वो लाऊंगा। इधर मैंने जो टारगेट 500 वाली बात करी थी उसमें भी 27 क्लासें आ चुकी है, कंटिन्यूसली उसमें क्लासें आ रही है। चलो उस पर डिस्कस करने के बजाय अपन सीधे अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। आज का अपना चैप्टर है क्रिस्टोलर की सेंटर पैलेस थ्योरी। क्रिस्टोलर की थ्योरी देखो, पूरी थ्योरी में यह नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ मैं के नियम के बारे में बात करूंगा, क्रिस्टलर के नियम क्या है। देखो आप अर्बन ज्योग्राफी में हायरार्की पढ़ते हो, हायरार्की का मतलब पदानुक्रम पढ़ते हो कि एक बड़ा शहर उसके अधीन छोटे शहर सेवाएं प्राप्त करते हैं, उनके अधीन और छोटे शहर सेवाएं प्राप्त करते हैं, तो किस तरीके से एक बड़ा शहर अपने छोटे शहरों को सेवा प्रदान करेगा, इसको लेकर के और क्रिस्टोलर ने अपनी थ्योरी दी। और क्रिस्टोलर ने 3 के नियम बताए थे कि कोई भी बड़ा शहर किस तरीके से अपने छोटे वाले शहरों में बाजार की सेवाएं देगा, कितने शहरों को बाजार की सेवा उपलब्ध करवा पाएगा, कितने शहरों के कितने भाग को वो परिवहन सेवाएं दे पाएगा और कितने को वो प्रशासनिक सेवाएं दे पाएगा। तो इसको लेकर के 3 के नियम चलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। K3 एक तो चलता है, K3 एक चलता है, K4 और एक चलता है K7। आप सबने K3 साउंड एक बार देख लीजिए, आप साउंड आ रही है तो पूरा कंसल्ट कर लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ, कष्ट के लिए आपको समा देता हूँ। तो क्रिस्टलर की जो थ्योरी है उसमें ये 3 नियम है, K3 K4 और K7। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि क्रिस्टलर की K3 का नियम क्या बोलता है, K4 का नियम क्या बोलता है, K7 का नियम क्या बोलता है। K3 बाजार सिद्धांत है या ये बाजार नियम की बात करता है, और K4 ये परिवहन नियम की बात करता है, और K7 ये प्रशासनिक नियम की बात करता है। पहला तो प्रश्न ये यहीं से कंप्लीट है, K3 क्या है, बाजार नियम है,
K4 क्या है? परिवहन नियम है। और K7 क्या है? यह है आपका प्रशासनिक नियम। अब थोड़ा मैं इस पर आपका डिस्कस करवा देता हूं कि K3 में क्या होगा, K4 में क्या होगा, K7 में क्या होगा। ये नियम ये कहता है कोई भी एक बड़ा शहर बाजार सेवाएं अपने निचले शहरों को उपलब्ध करवाएगा, लेकिन निचले पूरे शहरों को नहीं करवाएगा, किसी एक सिटी के कैचमेंट एरिया के 1/3 भूभाग को करवाएगा। और इस तरीके से उसके चारों ओर स्थित जो 6 सिटीज है, उन 6 सिटीज के एक तिहाई भूभाग को या एक तिहाई क्षेत्र को ये बाजार सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। मैं पूरा आपसे इस तरीके से डिस्कस करवा करके बताऊंगा। फिर उसके अंदर जो इसका कैचमेंट एरिया रहता है बड़ी सिटी का, उसमें छोटी सिटी है वो उस षटभुज के किस किनारे पर स्थित होगी। ये प्रश्न कई बार बनता है कि एक छोटा शहर, छोटा शहर अपने बड़े शहर के, जो बड़े शहर का षटभुज बनता है, उस षटभुज के किस भाग में वो स्थित होगा, ये एक प्रश्न है। अच्छा, मैं बारी बारी से सबका बताऊंगा कि कौन सा किस भाग में स्थित होता है। तो K3 बाजार नियम में ये कहता है कि एक बड़ा शहर अपने छोटे शहर के एक तिहाई भूभाग को, अर्थात एक तिहाई क्षेत्र को है वो बाजार सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। जबकि परिवहन ट्रांसपोर्ट नियम ये कहता है कि एक बड़ा क्षेत्र अर्थात एक बड़ा शहर अपने चारों ओर स्थित 6 जो छोटे शहर होते हैं उनके 50% भूभाग यानी 1/2 भाग को ये सुविधा उपलब्ध करवाता है। जबकि जो ट्रांसपोर्टेशन सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन नियम है वो ये कहता है कि एक बड़ा शहर अपने चारों ओर स्थित 6 बड़े शहरों को, पूरे पूरे भूभाग को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इसका फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, जैसे K3 का नियम है वो ये कहता है कि 1/3 भूभाग को सुविधा उपलब्ध करवाएगा। 1/3 भूभाग कितने शहरों के, उसके आसपास 6 शहर बनते हैं एक बड़ी सिटी में। आगे डायग्राम से बनाऊंगा। एक बड़ी सिटी के चारों तरफ 6 शहर बनते हैं और उन 6 शहरों के एक तिहाई भूभाग को ये सुविधा उपलब्ध करवाता है और एक वो सिटी स्वयं है। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला ये बनेगा K3 नियम का, 1/3 × 6 + 1 प्लस एक में तो ये खुद है और बाकी वाले 6 शहरों के एक तिहाई भूभाग को उपलब्ध करवाएगा सेवाएं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/3 × 6 इसको सॉल्व करोगे तो 2, 2 + 1 ये कितना हो गया, 3। इसलिए ये बन गया नियम K3। और इसकी IR की भी मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से इनका पदानुक्रम है वो चलता है। उसके बाद में K4 का फॉर्मूला रहता है 1/4 भाग को नहीं होगा, ये 1/2 भाग को उपलब्ध करवाएगा यानी 50% भूभाग को उपलब्ध करवाता है। 1/2 × 6 प्लस ये खुद है तो ये बन गया आपका 1/2 को 6 से मल्टीपल करोगे 3, 3 और 1 ये 4, 3 में 1 जोड़ दिया ये बन गया आपका 4। उसके बाद में ये जो है K7 के अंदर मैंने बताया था कि वो आसपास के छह पूरे पूरे शहरों को उपलब्ध करवाता, पूरे शहर को उपलब्ध करवाता मतलब 1/1 यानी संपूर्ण शहर को उपलब्ध करवाएगा। कितने शहर है, 6 शहर है प्लस एक वो स्वयं हो गया, टोटल कितने होंगे, 1/1 × 6 किया तो ये हो गया 6 + 1 = 7। ये तो इसके फॉर्मूले चलते हैं, ये ध्यान रखना। अब इनकी हायरार्की प्लस डायग्राम दोनों में साथ में बता देता हूं। जैसे ये एक डायग्राम है दिख रहा है ना आपको बढ़िया ढंग से, इसमें बड़ा शहर कौन सा है, जैसे ये बड़ा शहर है, समझ गए, ये इस शहर का कैचमेंट एरिया है। ये बड़ा शहर है, ये इसका कैचमेंट एरिया है। अब सुनो, इसके बाहर 6 शहर स्थित है छोटे छोटे, 1, 2, 3, 4,
पांच और छह। जो के थ्री का नियम है उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। के थ्री का नियम कहता है कि प्रत्येक छह शहरों के एक तिहाई भूभाग को ये एक्वायर करेगा, ये सेवाएं हैं वो देगा, तब जाकर के इसका मान 3 आएगा, 1/3। अब ये 1/3 भाग कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। ये सारे शहर हैं, इन सारे शहर को इस तरीके से षटभुज में कन्वर्ट करो। सारे शहर कौन से? जो उनके चारों ओर स्थित हैं। ये जो सर्किल बना है लाल वाला, ये सर्किल इस सिटीज का बाजार एरिया है। अब आप देख रहे हो ये जो भाग एक्वायर किया गया है, अधिकृत किया गया है, ये 1/3 है, क्योंकि इसका हाफ, ये पोर्शंस पूरा हो गया, इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है, तो 2/3 हिस्सा इसका पीछे छूट गया, 1/3 हिस्सा इसके साथ आ गया, 1/3 भी इसका 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 आ गया और 1/3 भी इसका आ गया। ये इस तरीके से 1/3 1/3 1/3 एरिया को परिवहन सेवा उपलब्ध करवाएगा। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, प्रश्न क्या है कि इसमें बड़े शहर के निचले वाले जो छोटे शहर हैं वो इसके षटभुज के शीर्षों पर स्थित होंगे। तब ध्यान रखना, एक इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि छोटे शहरों की लोकेशन कहाँ होगी, तो छोटे शहर है वो बड़े शहर का षटभुज बनता है। अभी मैंने लाल लाइन में षटभुज बनाया है, उस षटभुज के शीर्षों पर स्थित होगा, सिरों पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिरे हैं और इन सिरों पर ये छोटे शहर स्थित हुए हैं। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो छोटे शहर है वो बड़े शहरों के सिरों पर स्थित होंगे, 1/3 इस भूभाग को एक्वायर करेगा। ये तो हो गया आपका बाजार नियम। अब थोड़ा ट्रांसपोर्ट नियम पर आ जाएं, इसी में मैं आपको ट्रांसपोर्ट नियम समझाता हूं। K4 का फॉर्मूला है 1/2 × 6+1 = 4। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये 1/2 भाग एक्वायर करेगा। अब जैसे ये आपका षटभुज है, ये तो है आपका मुख्य शहर और उसका एरिया, ये मुख्य शहर है, ये इसके बाह्य शहर है, ये। अब जो आपका प्रशासनिक जो सॉरी परिवहन का जो कैचमेंट एरिया होगा वो इस तरीके से बनेगा। इसके ऊपर ही समझना। हाँ, थोड़ा बहुत क्या है कि इसको जूम किया है ना, उस हिसाब से ये अलग दिख रहा है, ये षटभुज बनेगा। अब सुनो ध्यान से, ये इसका 1/2 यानी इसका 3 भुजा इधर रह गई, 3 इधर रह गई, इसका मतलब इसका 1/2 भाग एक्वायर हुआ, इसका भी 1/2 भाग गया है, इसका भी 1/2 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 गया है। समझ में आ गया? उसमें 1/3 जा रहा था, 1/3 जा रहा था, तो ये बिंदु और ये बिंदु सीधे यूं क्रॉस हो रहे थे और ये आधी लाइन इधर छोड़ दी गई थी। अब मैंने ऐसा नहीं किया है, अब मैंने उसके अगला वाला जहां षटकोण स्पर्श हो रहा है वहां से लिया है, तब क्रिस्टालर का ये बनेगा आपका ट्रांसपोर्ट नियम। वन अपॉन टू अर्थात हाफ भाग को क्लियर करने वाला K4 का नियम। अब K4 कहां से आया ये तो मैंने बता दिया। अब अगला एक प्रश्न आपका बनेगा कि इसमें जो छोटे शहर होते हैं वो बड़े शहरों के भुजाओं के मध्य स्थित होते हैं, ये भुजा है कि नहीं?
और ये आपको यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। इसमें जो छोटे शहर की स्थिति होती है वो आपको कहाँ मिलेगी, भुजाओं के मध्य, भुजाओं के मध्य। उसमें कहाँ मिल रही थी, कोनों पर मिल रही थी, समझ गए। उसके बाद में अगला आपका जो नियम आता है वो है K7। K7 वन हेलो हेलो, कुछ साउंड मिस्टेक हुआ था तो मैं थोड़ा सा पूर्व में यहां पर आपसे डिस्कस करवा रहा था और उस प्रॉब्लम के साउंड की प्रॉब्लम के चलते थोड़ा मैं और इजी कर देता हूं इसको। K4 का जो नियम था वो 1/2 × 6+1=4 था, अर्थात छोटे शहर भुजाओं के मध्य स्थित थे। ये जैसे छोटे शहर है ये भुजाओं के मध्य स्थित है, 1/2 एरिया एक्वायर करेगा। उसके बाद जो मैंने अभी समझाया था आपकी साउंड प्रॉब्लम हुई थी उसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये जैसे बड़ा शहर है और छोटे शहर के 7 नियम की ये विशेषता है कि छोटे शहर के सारे एरिया उसके अंदर आ जाएंगे, उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। तो प्रभाव क्षेत्र ऐसे बनेगा, ये पूरा का पूरा एरिया है तो इसको एक्वायर करते हुए यहां से यहां लाइन खींच दी, ये यहां लाइन खींच दी, इसको यहां से खींचा, फिर यहां से खींचा, फिर ये और फिर ये, इस तरीके से। अब आप देखोगे ये पूरा एरिया अंदर है, ये भी एरिया अंदर है, ये एरिया अंदर है, ये भी एरिया अंदर है, ये एरिया अंदर है, ये एरिया अंदर है, टोटल 6 के 6 एरिए इसके अंदर आ गए और सातवां ये स्वयं हो गया। इस तरीके से K7 का नियम चलता है और इसमें छोटे शहर होते हैं वो प्रभाव इलाके के अंतर आते हैं, छोटे शहर होंगे वो सारे के सारे अंदर की ओर होंगे। ये आपका हो गया डिस्टलर का के नियम, बहुत ही अच्छा है विद्यार्थियों। और यदि ज्योग्राफी के अंदर आपको लगता है कि आपके कुछ चैप्टर आपको कठिन लगते हैं तो आप हमारे जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर भी लिखे हुए हैं तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं मेगा ज्योग्राफी सीरीज में आपके प्रश्नों से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ला सकता हूँ जो मुझे लगेगा कि ये सारे विद्यार्थियों की कॉमन प्रॉब्लम है। धन्यवाद।